नमस्कार। अब खैर नहीं राजनेताओं का, पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, वर्तमान विधायक हो, वर्तमान सांसद हो, उन्हें जाना पड़ेगा जेल। उच्चतम न्यायालय ने कड़ा निर्देश देते हुए केरल और बिहार सरकार के प्रत्येक जिला में एक अलग से कोर्ट गठित करने के लिए कहा गया है, और उन्होंने कहा है कि जितने भी आपराधिक मामले लंबित हैं, उसे तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए सजा दें और उम्र कैद की जिस मामले में प्रावधान है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि करीबन हजारों केस 1990 से लंबित है, जिस केस को टाला जा रहा है उस केस में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सांसद हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, सबको अब जाना होगा जेल। उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करना केरल और बिहार के सरकार का कर्तव्य बनता है, और नियमतः प्रत्येक जिला में फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या अन्य कोर्ट हो, उसे गठित करके त्वरित कार्रवाई करते हुए उन सारे दागी राजनेताओं को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। अधिवक्ताओं ने इस बिंदु पर बहस के दरमियान कहा कि हजारों केस लंबित है और करीबन 5000 केस लंबित है 1990 से, जिसमें बचते बचाते आ रहे हैं राजनेता। अब राजनेताओं को जेल जाना होगा, और ये जरूरी भी है क्योंकि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आ पा रहे हैं, और दागी लोग आज शासन और सत्ता में काबिज होकर आम जनता का शोषण कर रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है, उच्चतम न्यायालय का यह कदम सराहनीय है। इसके लिए आप सारे लोगों की ओर से मैं उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।